खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राज्यसभा से 3 तलाक के खिलाफ बिल पास हो गया है और इसी के साथ कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। एबीपी न्यूज 3 तलाक बिल पास होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के मन की बात आपको बता रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि गाजियाबाद की मुस्लिम समाज की महिलाएं क्या कह रही। 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। इससे पहले लोकसभा में 3 तलाक बिल पहले ही पास हो चुका था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये एक कानून बन जाएगा। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं की क्या सोच है इस बिल के बारे में, क्या सोचती हैं मुस्लिम महिलाएं, क्या उनके लिए जो 3 तलाक बिल है वो कोई अच्छा पैगाम लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हम वसुंधरा गाजियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि सुबह को वॉक करने के लिए निकली हुई हैं। पार्क में हम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही राज्यसभा में ये कानून बना है तो ये बहुत अच्छा बना है। महिलाओं के लिए एक सेफ्टी हो गई है। इससे क्या होता था, वैसे तो ये सही भी है, जो तलाक हमारे यहाँ चलती आ रही है पुराने उलमाओं से, हमारे हुजूर ने जो तय की है कि ये तलाक है। लेकिन क्या होता, तलाक का कोई तरीका था उस टाइम पे, ये था तलाक 3 टाइम में होती थी। लेकिन अब क्या है, इस चीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है। ये 3 तलाक शोहर एकदम दे देता है अपनी वाइफ को, वो कैसे भी दे सकता है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ और 3 तलाक दे दी, इस चीज़ से क्या हुआ, औरत कैसे, औरत तो रह गई ऐसे कैसे ही, उसे क्या, उसे तो कोई इंसाफ नहीं मिला, उसने उसे तलाक दे दी। शोहर बाहर गया काम से, उसने उसे फिर भी तलाक दे दी, फोन पे तलाक दे दी, हो सकता है उसने दूसरा निकाह कर लिया और उसने तलाक दे दी, वो कैसे सर्वाइव करेगी उसके साथ। अब लगता है ये बिल आने से ये कोई डर नहीं है। अब ये क्या कह रही है, ऐसा गलत कह रही है अम्मा? आपका नाम? इसलिए गलत कह रही है बेटा, 3 तलाक जो देते हैं, एक बार में 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि परेशानी होती थी, अब फिर बाद में पछताते थे दोनों शोहर बीवी। इससे ये है कि हमारी शरीयत में एक एक तलाक करके देने का इजाज़त है, जिसमें जिससे दोनों को फरीकों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आजकल जैसे कि मतलब झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जाते, बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए एक एक तलाक करके देना चाहिए। यानी जो तीन तलाक बिल जो आया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उससे कोई फायदा होगा आप लोगों को? वो नुकसान होगा, इसलिए कि वो जब आदमी को ये तलाक हो जाएंगी तो वो फिर उधर वो पछताएगा, उधर वो पछताएगा, तो फिर क्या होगा, फिर नहीं बन सकती ना, हमारे तलाक हो चुके। लेकिन एक तलाक देने के बाद में रख लेता है शौहर, दूसरी तलाक के बाद में भी उसमें गुंजाइश होती है, तीसरी तलाक के बाद में गुंजाइश नहीं होती। लेकिन शौहर बीवी का जो झगड़े होते हैं, इसमें औरत के लिए भी मुजिर है और मर्द के लिए मुजिर है। हम चाहते ये हैं कि तलाक जो ये सिलसिला उठाया है ना, तो हमारी शरीयत में इजाज़त है तलाक देने की, सिर्फ एक एक करके। लेकिन इसमें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं था, जहाँ पे सारा का सारा हक जो है वो मर्द को दिया गया था। अब हमारी आप बताइए कि हमारे यहाँ ये था कि अगर चे मर्द परेशान करता है औरत को अपनी, तो हमारी शरीयत इजाज़त देती है कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ दे के अपना पीछा छुड़ा सकती है, इजाज़त है हमारी शरीयत में। तो अम्मा का कहना है कि जो 3 तलाक बिल आने वाला है उनसे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि मतलब ये बिल जो है वैसे तो महिला के लिए अच्छा है, और मतलब परेशान करती है वो। ये बात है कि इसमें जो 3 तलाक, क्योंकि अगर ये जो बिल पास हुआ ये ठीक है, वो ऐसे क्योंकि उन्होंने 3 तलाक के लिए मना किया कि 3 तलाक एक साथ में हो चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग हो तलाक, मतलब जैसे मान लो एक बार तलाक कह दिया तो उसके बाद मियां बीवी साथ में रह सकते हैं, और उसमें थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिलता है उनको कि सोच लें कि मतलब अगर थोड़ा सा गुस्से में मान लो तलाक का मुद्दा उठा है तो सोचने का टाइम मिल जाएगा। फिर सेकेंड टाइम में भी अगर मान लो दोबारा गुस्सा आता है फिर एक बार दे दो, उसमें भी ये रहेगा कि गुंजाइश है, मतलब भी मियां बीवी अलग नहीं हो सकते। लेकिन तीसरी अगर तीनों साथ में हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो अलग होना ही है उनको। लेकिन अगर अलग अलग दी जाए एक, मतलब तलाक तो देखो हमारे यहाँ जायज़ है, हमारे यहाँ जायज़ है, लेकिन ये एक साथ में तो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। लेकिन कानून बनने से भी तो जायज़ ही रहेगा, सवाल तो ये है कानून बनने से भी जायज़ है, जबकि ये है कि 3 साल की सजा भी मिलेगी ऐसा करने वाले लोगों को, तो इसमें आपको अपना फायदा दिखता है? फायदा इसमें है, क्योंकि इसमें ये होगा कि कोई भी शोहर साथ में एक साथ में 3 तलाक नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, और अगर मान लो गुस्सा वगैरह है तो एक बार दे दी तो उसमें ये रहेगा आपस में दोनों में सुलह होने की गुंजाइश है।
जी, यानी कि जो बिल आ रहा है, हाँ। बिल आने से आपको लगता है जो सुलह होने की गुंजाइश हाँ, थी वो कम हो जाएगी? नहीं नहीं, सुलह होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो अच्छा है आपके मान। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई लोगों का कहना है कि जो तीन तलाक कानून है उसको आने से उनको बहुत फायदा होगा, उनको हक मिलेगा। वहीं कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर ऐसे में प्रावधान बनता है, कानून बनता है और आदमी को जेल भेज दिया जाता है तो आखिर उसके बच्चों की, आखिर उसके परिवार की रखवाली देखरेख कौन करेगा? ये बड़ा सवाल उनके सामने पैदा होता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ आजादिका सिंह, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।